अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं सब ठीक होंगे। मैं आप लोगों के लिए लाया हूं नई वीडियो, जिसमें आपको मैं प्लेटिंग मशीन बनाना सिखाऊंगा। ये सीखकर आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं और घर बैठे महीना हज़ारों रुपये कमा सकते हैं इससे। ये इनके पार्ट्स हैं जो इसमें इस्तेमाल होंगे इस मशीन में। ये पार्ट्स की डिटेल है, ये पार्ट्स इसमें चाहिए होते हैं। आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। और जिन भाई को ये पार्ट्स चाहिए हों वो मुझसे रابطہ कर सकते हैं। ये इन सब पार्ट्स की इस मशीन को बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। एक ये ब्रैकेट होता है इसमें, ये सब मैं आपको लगा कर इसकी सेटिंग सब मुकम्मल तफसील इस वीडियो में आपको दूंगा। मैं वीडियो को लाजमी एंड तक देखें ताकि आपको इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप आसानी से काम कर सकें। ये ब्रैकेट है जिसमें एक बेयरिंग लगा हुआ है। इस बेयरिंग की भी मैं आपको मुकम्मल तफसील बता दूंगा, यहाँ पर डिटेल में दे दूँगा कि क्या साइज़ है बेयरिंग के और कौन कौन से बेयरिंग इस्तेमाल होंगे। ये बेयरिंग के साइज़ भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा और प्लस किस तरह ये फिट होगा, इसकी फिटिंग किस तरह करनी है वो भी मैं आपको पूरी डिटेल दे देता हूँ। इंशाल्लाह आप इस वीडियो से बहुत फ़ायदा उठाएंगे और ये सीखकर आप हज़ारों रुपये महीना कमा सकते हैं। और इसके लिए आपको वीडियो मुकम्मल देखनी होगी, तभी आप इस मशीन को तैयार कर सकेंगे। तो मुकम्मल वीडियो देखें और फ़ायदा उठाएं। ये चंद गेयर है इसमें, ये सब इसके लिए बनाना पड़ते हैं। ये आपको तैयार मार्केट से कुछ नहीं मिलेगा, ये सब तैयार किया जाता है। ये जिस भाई को भी चाहिए हो सामान वो रابطہ कर सकते हैं। और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाजमी लाइक और शेयर करिएगा। ये देखें, इसमें चार गियर इस्तेमाल होते हैं चार साइज के। एक ये ब्रैकेट है, ये सब मैं आपको तफसील साथ साथ बता करूँगा कि किस तरह लगेगा और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होंगे, इनकी मुकम्मल फिटिंग किस तरह होगी, ये सब डिटेल मैं आपको दूंगा। अगर आप चाहें खुद से भी ये पार्ट्स बनवा सकते हैं, इसके लिए आप मुझसे रابطہ कर लीजिएगा, मैं आपको उसका सारा डायग्राम बता सकता हूँ। एक ये ब्रैकेट है, ये इसका टाका छोटा बड़ा करने में इस्तेमाल होता है, इसकी चाल कम ज़्यादा करने के लिए इस तरह के दो ब्रैकेट इस्तेमाल होते हैं। गाइस वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, मगर आप इसको मुकम्मल देखिएगा तभी आपको कुछ रहनुमाई मिलेगी। एक ये है, एक वो जो आपको पहले दिखाया है, ये दोनों ब्रैकेट इसमें इस्तेमाल होंगे। ये इसकी चाल के लिए होते हैं, इसकी चाल बड़ी करने के लिए, चाल छोटी करने के लिए। ये पिन है जिस पे ये फनर पट्टी लगेगी जो कपड़े को रफलिंग करेगी, यानी कि इसको प्लेटिंग डालेगी इस कपड़े में, ये इसके लिए पिन इस्तेमाल होती है। इसके बीच में ये झीरी होना लाजमी है क्योंकि इस झीरी के अंदर से कपड़ा गुजरेगा, इससे ऊपर और नीचे दोनों तरफ फनर प्लेट लगेगी। ये इस तरह के इसमें चार बेयरिंग इस्तेमाल होंगे। ये आप साइज़ इसका मैं आपको साथ मेंशन कर देता हूँ। ये वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको नज़र आए, नहीं तो मैं आपको अलग से मेंशन कर दूँगा। आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये बेयरिंग वगैरह, चार बेयरिंग इस्तेमाल होते हैं इस मशीन में।
कैब हैं, इस तरह की दो कैबें इसमें इस्तेमाल होंगी। ये सब एक मशीन बनाने के पार्ट्स हैं, एक मशीन तैयार करने के लिए। इस भाई को ये पूरा सेट कंप्लीट चाहिए हो सामान का, वो रब्ता कर सकते हैं। ये कुछ कोलर इस्तेमाल होते हैं इसमें शाफ्ट को सपोर्ट देने के लिए, शाफ्ट को रोकने के लिए। ये कुछ पिने चाहिए होंगी हमारे को 10 mm की। और ये फनल प्लेट है जो कपड़े को चलाती है। चले तो फिर स्टार्ट करते हैं इस मशीन की फिटिंग। सबसे पहले हमें इस मशीन में कुछ सुराख करने पड़ेंगे। इसकी भी साइजिंग और डायग्राम में आपको सब समझा दूंगा। ये इसमें 5 mm के सुराख किए जाएंगे ताकि हम इसमें 6 mm की चूड़ी डाल सकें। अब इसमें हम 6 mm की चूड़ी घुमाएंगे, 6 mm की। आप चाहें साइज ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन पार्ट्स भी उस हिसाब से बनवाने पड़ेंगे। फिलहाल मैंने 6 mm के हिसाब से पार्ट्स बनवाए हैं, तो मुझे 6 mm की चूड़ी डाल दें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और शेयर भी कर दें, ताकि और दोस्तों को भी फ़ायदा हो सके। आप लोग ये काम सीख कर इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। आप घर बैठे भी ये काम कर सकते हैं और दुकान खोलकर भी आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। बहुत लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है, आप भी उठा सकते हैं। अभी इस काम की बहुत डिमांड है मार्केट में। तो इस तरह के और भी मशीनें आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी, आप वो भी देख सकते हैं। ये 3 जगह इसमें चूड़ियाँ डालेंगी। एक ब्रेकेट वहाँ इस्तेमाल होगा जो पहली चूड़ी डाली है, और एक ब्रेकेट इधर इस्तेमाल होगा। 2 ब्रेकेट यहाँ लग जाएंगे। ये देखें, ये चूड़ियाँ डल चुकी हैं। और अब मैं इसमें आपको ब्रैकेट फिट करके दिखाता हूँ। ये एक गियर व्हील में इस्तेमाल होगा, जो 4 गियर आपको दिखाए थे मैंने, उसमें से एक गियर ये व्हील में इस्तेमाल होगा मेन शाफ्ट में। ये देखें, एक ब्रैकेट ये यहाँ पर लगेगा। ये पहले आपने सिर्फ इसको अटका लेना है इसको यहाँ पर, बाद में आपने सेटिंग करते हुए इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं इसको। एक ब्रैकेट यहाँ फिट होगा। ये आपने यहाँ पर इसको भी ऐसे ही हल्का सा टाइट कर लेना है। उसके बाद जब आप इसमें शाफ्ट बिठाएंगे, ये मैं इसमें शाफ्ट बिठा रहा हूँ, और ये जैसे ही शाफ्ट इसमें बिठाएंगे तो फिर इसकी हम सेटिंग करेंगे। ये हमें किस पोजीशन में इसको रखना है, फिर वहाँ रख कर हम इसको फुल टाइट कर देंगे दोनों ब्रेकेट को। ये इसमें एक गियर डालेगा शाफ्ट में, और दूसरी तरफ इस शाफ्ट की कैम लगेगी, जो कैम आपको दिखाई थी। ये देखें, ये ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसको मैं एडजस्ट कर लूँगा ताकि दोनों शाफ्ट आमने सामने बिल्कुल सीधी जाए। ये इसके साथ अब हम दूसरा ब्रेकेट भी एडजस्ट कर लेंगे इसके साथ, ताकि शाफ्ट हमारी बिल्कुल रवा चले और बिल्कुल स्ट्रेट हो। ये दोनों की सेटिंग कर लेंगे हम एक साथ। ये देखें, बिल्कुल रवा शाफ्ट होनी चाहिए। अगर ये जाम होगी तो ये प्रॉब्लम करेगी चलने में, वो फ्री घूमनी चाहिए। ये शाफ्ट में यहाँ बुराई हुई थी, तो ऐसा हमें यहाँ पर फाइल मारना पड़ रही है। यहाँ इसको फाइल करके पॉलिश कर लेंगे, और फिर ताकि बेयरिंग में जाम ना जाए।
अब तीसरा गियर हम यहाँ बिठाएंगे जो मेन शाफ्ट के गियर के बिल्कुल सामने होगा, ताकि उसके ऊपर से बेल्ट चलता हुआ इसके ऊपर आए। और ये एक गियर इस शाफ्ट के अंदर, दो गियर लगेंगे, एक ये दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे ये बड़ा गियर होगा जो मेन शाफ्ट के सामने होगा। इनके दांत की क्वांटिटी भी मैं आपको बता दूंगा, कितने दांत होने चाहिए इस गियर के वो भी मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। इसके बाद हम ये ब्रैकेट ले लेंगे और इसमें हम ये वाले जो पीस हैं दो ये बनाए हुए हैं, ये इसमें हम फिट कर देंगे। पहले हम इसको फिट कर लेंगे दोनों पीसों को। ये फिट होने के बाद पहले हम इसको तरीके से फिट कर लेंगे दोनों पीस को, ये फिर हम इसको टाइट कर लेते हैं। ये एक पीस जो है वो बिल्कुल आगे होके टाइट होगा, बिल्कुल लास्ट में बिल्कुल आगे होके टाइट होगा। इसके अंदर भी दो बेयरिंग लगे हुए हैं, इस पीस में भी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइडों पे एक एक बेयरिंग लगा हुआ है। अब ये दूसरा पीस भी हमने इसमें लगा दिया, ये भी टाइट कर दिया हमने इसको ना, ये दोनों पीस फुल टाइट कर दिए, एक आगे होगा एक उसके बैक पे होगा। ये देखें अब इसके दोनों तरफ बेयरिंग लगे हुए हैं, इसके अंदर भी 10 mm की पिन लगेगी। ये पिन देखें, ये मैं आपको बाद में लगा के दिखाता हूँ, पहले हम पीस को टाइट कर लेते हैं। ये पिन इसके अंदर चलेगी, लेकिन पहले हम पीस टाइट कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ वो पिन लगा। ये हमें यहाँ पर नट की मदद से एक पीस यहाँ टाइट कर लेना है इसको। ये चूड़ी पहले से मशीन में मौजूद होती है, अगर आपके पास जो मशीन हो उसमें ये चूड़ी ना हो तो आप यहाँ पर भी एक सुराख करके चूड़ी डाल सकते हैं। ये इस मशीन में पहले से मौजूद थी ये चूड़ी, तो इसमें हमें चूड़ी डालने की जरूरत नहीं पड़ी। ये देखें इस तरह आगे की तरफ आ जाएंगी दोनों पीस जो हमने टाइट किए हैं इसके ऊपर ब्रैकेट के ऊपर, ये हमने इसको फुल टाइट कर देना है, बिल्कुल सीधा रख के फुल टाइट कर देना है। और फिर हमने ये देखें सामने के दोनों पीसों में हमने एक एक पिन लगा दी, एक पिन में कैम आएगी और गेयर आएगा। पहले एक पिन लगाई और उसके बाद फिर हमने कॉरड लगाया और उसके बाद ये गेयर लगा दिया, जो पीछे शाफ्ट में हमने छोटा गियर लगाया था इसके बिल्कुल सामने ही गियर लगाएंगे, ताकि उसकी मदद से ये गियर चलेगा बेल के ज़रिए और ये स्कैम को रनिंग देगा। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से, कोई बात जो समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। ये देखिए इस तरह से कॉलर हमने टाइट कर दिया और गियर दोनों चीज़ें टाइट कर दी, और ये भी पीने बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, जाम ही होनी चाहिए। देखिए कोई भी चीज़ जाम होगी तो आपकी मशीन सही काम नहीं करेगी। ये जो है ब्रैकेट जो टांका छोटा बड़ा करने के लिए होता है, ये हमने एक यहाँ इस्तेमाल करना है। इसको यहाँ स्पिन में लगा के हम यहाँ टाइट कर देंगे इसको भी, एक तरफ ये ब्रेकेट होगा और दूसरी तरफ पिन में एक कॉलर लगा होगा, ताकि पिन हमारी आगे पीछे चाल ना करे। इस तरह ये भी बिल्कुल फ्री होनी चाहिए पिन। अब हम इसमें ये बेरिंग राड की मदद से दोनों बेरिंग जोड़ेंगे, के बाद इस बेरिंग को हम यहाँ लगाएंगे, एक इस ब्रेकेट में लगेगा और एक पीछे जो मेन शाफ्ट हमने लगाई है एक शाफ्ट, उस शाफ्ट में जो हमने कैम टाइट करी है उस कैम में लगेगा। जैसे कि ये देखें ये कैम है, एक इधर लगेगा, इसकी मदद से वो ब्रैकेट चलेगा, एक यहाँ टाइट होगा। ये देखें हमने ये यहाँ टाइट कर दिया, इसमें हम 6 का स्क्रू या 5 का स्क्रू यूज़ कर सकते हैं, 6 mm या 5 mm दोनों यूज़ कर सकते हैं।
इसको यहाँ टाइट कर दिया। अब हम पीछे भी लगाएंगे जो बैक साइड पे केम है उसमें इसको ज्वाइन करेंगे। ये हमने देखें इस तरह एक स्क्रू यहाँ ले लिया। स्क्रू लेने के बाद इसमें वाशर लगाएंगे आगे पीछे, और केम के अंदर एक पिन होगी, ये देखें ये पिन है। इस पिन को इसके अंदर डाल के ये हम इसमें टाइट कर देंगे। इस पिन में पहले से चूड़ी मौजूद है, ये इससे भी हम टाँका छोटा बड़ा कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों की एक टाइमिंग होती है इस केम की भी, और आगे जो केम लगेगी उसकी भी, और जो चार गेयर लगे हुए हैं इनकी भी, ये टाइमिंग भी मैं आपको समझाऊंगा। इन टाइमिंग के बारे में आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ये देखें ये हम घुमाएंगे अब गेयर को, और ये आगे वर्किंग करेगा ब्रेकेट। ये देखें इस तरह ये वर्किंग करेगा। ये हमने देखें बेल्ट लगा दी है इसमें, ये एक बेल्ट यहाँ से इस दूसरे गियर को घुमाएगा और दूसरा बेल्ट उस शाफ्ट से इस गियर को घुमाएगा। ये देखें ये एक बेल्ट इस गियर से उस गियर पे लगेगा, और एक बेल्ट मेन व्हील की शाफ्ट जो है वहाँ से बड़े गियर पे लगेगा। ये दो बेल्ट इस्तेमाल होंगे। इसके बाद हमारे को एक पट्टी ये चाहिए, ये पट्टी हम यहाँ लगाएंगे ताकि नीचे जो है फर्श एक जैसा हो, जिसके ऊपर हमारा कपड़ा चलेगा वो एक जैसा हो। बाज़ अवकात मशीन का फर्श जो है और निडल की प्लेट जो है वो ऊपर नीचे होती हैं, तो हमें ये प्लेट नीचे लगानी पड़ती है ताकि नीचे का फर्श प्लेन हो जाए, इसके ऊपर हमारा कपड़ा प्लेट बनेगी। ये प्लेट है जिससे कपड़े में फ्रिल बनती है। इस तरह की दो प्लेटें होंगी, एक प्लेट ये ऊपर लगेगी पिन के, और एक प्लेट पिन के नीचे लगेगी। दो प्लेट लगेंगी, ये मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये एक प्लेट ऊपर की तरफ हमने स्क्रू की मदद से टाइट कर दी। ये देखिए स्क्रू की मदद से हमने इस प्लेट को टाइट कर दिया है। इसी तरह हम दूसरी प्लेट लेंगे, दूसरी प्लेट हम इसकी दूसरी साइड पे टाइट कर देंगे। ये देखिए ये प्लेट हमने यहाँ लगाई दूसरी साइड पे, और इसको भी हमने स्क्रू की मदद से टाइट कर लेंगे। ये देखें अच्छा, दोनों प्लेटें बराबर होनी चाहिए, दोनों साइड से प्लेट बराबर होनी चाहिए और आगे से भी बराबर होनी चाहिए। ये देखें इस तरह दोनों को हमने बराबर करना है। इसके आगे एक झिरी आपको नज़र आ रही होगी, वो नीडल के लिए होती है, नीडल वहाँ से गुजरती है। ये आगे जो झिरी आपको नज़र आ रही है ये झिरी नीडल के लिए दी जाती है। ये बीच में जो खांचा है, इस खांचे के अंदर से आपका कपड़ा गुजरेगा और ये प्लेटिंग आपको बना के देगा। अच्छा, ये डबल प्लेट क्यों है कि ये बॉक्स प्लेटिंग बनेगी। जो सिंपल प्लेटिंग होती है उसमें सिंगल प्लेट यूज होती है, डबल बॉक्स प्लेटिंग में डबल प्लेट यूज होती है। उसके बाद हम ये ब्रेकेट के अंदर इस पिन को लगाएंगे। ये देखें ये दूसरा पीस जो है चाल वाला, ये हमारा यहाँ पर इस्तेमाल होगा, ये स्पिन में टाइट होगा। इसको हमने एलकी की मदद से टाइट कर दिया, और ये हमने निडल का सेंटर भी ले लिया। वो जो हमने आपको झिरी दिखाई है प्लेट के आगे जो झिरी दिखाई मैंने आपको, ये देखें ये निडल इस झिरी में से गुजर रही है। ये झिरी इसलिए होती है कि निडल यहाँ से गुजर सके। ये देखें, और आपने इस चीज़ से ख्याल भी रखना है कि निडिल पे जो प्लेट है वो दोनों तरफ से टकराए ना, बिल्कुल आपके सेंटर में होनी चाहिए निडिल। ये देखें आपका ये पूरा सिस्टम काम कर रहा है। ये एक केम पीछे लगी हुई थी, एक केम ये आगे लगी हुई है। अच्छा दोस्तों, ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। बाकी इसकी जो टाइमिंग वगैरह है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। तो आप इसके बाद दूसरी वीडियो देखिएगा, मैं आपको उसका लिंक भी दे दूँगा इसके साथ, और बहुत जल्द वो डाउनलोड करूँगा। उस वीडियो में आपको इसकी मुकम्मल डिटेल आगे की मिल जाएगी।
इसकी टाइमिंग, इसकी सिलाई निकाल कर, इसकी सिलाई निकलती हुई, हर चीज़ आपको दूसरी वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।